बस अब लोकतंत्र के सबसे बड़े घमासान का आखिरी राउंड ही बचा है। अब तक 486 यानी 90% सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अगले दौर में 57 सीटों के लिए आखिरी रण बाकी है। 6 चरण की वोटिंग के बाद भी सत्ता और विपक्ष के नेताओं के जीत के दावे और सीटों के आंकड़ों को लेकर बयानों की जंग तेज है। मतलब 57 सीटों पर आखिरी दम दिखाने से पहले नंबर गेम का खेल भी जारी है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति हो या फिर अब तक मन नहीं बनाने वाले वोटरों के मन को अपने पक्ष में करने की जुगाड़। अनजाने आंकड़ों के इस खेल में दावे भरने वाले खिलाड़ियों में अमित शाह भी शामिल हैं, राहुल भी और चिराग पासवान भी। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने आई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। चहेते लोग हैं जो उनको प्रसन्न रखने के लिए रोज नए आंकड़े दे देते हैं, 400 पार 500 पार। अभी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो शायद 8,000 तक भी पहुंच गए थे, 4,000 तक नहीं, अभी थोड़ा और लंबा चल जाए इलेक्शन तो 8,000 भी चला जाए तो। और प्रधानमंत्री को भी अच्छा आनंद आता है यही सब बातें सुन सुनकर, थोड़े दिन आनंदित होने दीजिए। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा मालूम है, लेकिन उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए इसलिए ये आंकड़े उन्हें लोग बता देते। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, दावों की जंग में अमित शाह भी कह रहे हैं कि बीजेपी 5वें दौर में ही 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल क्या बोल रहे हैं इसे सुनना भी जरूरी है। यहाँ पर तो हम लोग चाहते हैं कि 40 सीट है तक 40 सीट हम लोग जीते और पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही है और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब तक लोकसभा की जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में 278 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 283 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 87, जबकि 79 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली थी। हालांकि आंकड़ेबाजी के इस खेल में राहुल गांधी भी खूब तेजी से दौड़ रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है, सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया, 6ठे और 7वें ने 400 पार करना है, 400 पार करना है। आखिरी दौर में 57 सीटों पर घमासान और इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें से 25 सीटें बीजेपी के पास, 8 सीटें कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास 9 सीटें, जबकि अन्य का 15 सीटों पर कब्जा हुआ था। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी खुद को कम नहीं आंक रहे। 2024 लोकसभा चुनाव एक बेहद रोमांचक दौर से गुजर रहा है, इस मायने से भी कोई भी पक्ष बयानों के लिहाज से कमजोर नहीं दिखना चाहता। राहुल गांधी कहते हैं कि वो लिख कर दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो जवाब में अमित शाह का बयान है कि हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बहुत वक्त नहीं बचा, 4 जून को नंबर गेम के दम पर दावों की परीक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।